हेलो गैस, कैसे हैं आप सभी। आज के इस नए व्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम शहर के भीड़ भाड़ और भागम भाग भरी ज़िंदगी से दूर एक ऐसी जगह पर आए हैं जहां सैकड़ों साल पुराना इतिहास सो रहा है। एक ऐसा इतिहास जो स्थानीय लोक कथाओं और किंवदंतियों का साथ मिल जाने के बाद बाबू देवकी नंदन खत्री वीरचित चंद्रकांता की भांति रहस्य और रोमांच से भरपूर एक दिलचस्प आख्या बन चुका है। ये भी एक संयोग है कि ये जगह उन्हीं आंचलों में से एक है जहां से गुजरकर खत्री जी की कल्पनाएं जवां हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं विजयगढ़ के से करीब 44 किलोमीटर दूर रिहंद और सोन नदी के संगम पर स्थित अघोरी खास की। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे भी हम अपने दर्शकों के लिए ऐसे ही और भी अनजान जगहों के वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ गाइस, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे देश के दूर दराज में मौजूद बाकी ऐतिहासिक स्थलों की भांति ये किला भी उपेक्षा का शिकार हो चुका है, मगर फिर भी इसके खंडर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि तीनों ओर से बिजुल रिहंद और सोन नदी से घिरा और सोनभद्र जिले में स्टेट हाईवे नंबर 5 पर मौजूद ये दुर्ग कभी अपनी भव्यता से दुश्मनों के हौसले पस्त कर देने का वादा रखता रहा होगा। दुर्ग के एंट्रेंस पर देवी माँ का एक पुराना मंदिर है जहाँ लोकल्स के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों के लोग भी पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उन्हीं लोकल में से एक से पूछने पर मालूम हुआ कि राजा की कुल देवी माता दुर्गा का मंदिर है। एंट्रेंस के सामने एक कुआं भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सोन नदी में जाकर खुलता है। गाइस, बताते चले कि अघोरी खास में वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी बहुत फेमस है। वीर अहिल लोरिक बलिया जनपद गौरा गांव के निवासी थे जो बहुत ही सुंदर, बहादुर और बलशाली थे। 8 फीट ऊंचे भीमकाय शरीर के वीर लोरिक की तलवार का वजन 85 मन था। गाइस, ये मां भवानी के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उनकी भीमकाय तलवार में स्वयं मां भवानी वास करती थी। वीर लोरिक को अघोरी की एक यदुवंशी की बेटी मंजूरी से प्रेम हो गया था, मगर मंजूरी पर अघोरी के राजा मोलागत की बुरी नज़र थी। इसलिए लोरिक जानते थे कि बिना मोलागत को पराजित किए वह मंजूरी को विदा नहीं करा पाएंगे। इसलिए जब बलिया से बारात चली तो युद्ध की पूरी तैयारी के साथ चली। जब बारात सोन नदी तक आ गई तो राजा मोलागत ने तमाम उपाय किए कि बारात नदी को पार ना कर सके, मगर बारात नदी पार कर अघोरी किले तक जा पहुंची। वहाँ भीषण युद्ध और रक्तपात हुआ। इतना खून बहा कि अघोरी से गुजरने वाले नाले का नाम ही रुधिरा नाला पड़ गया। पास ही नरमुंडों का ढेर भी लग गया। मंजरी की विदाई के बाद डोली मारकुंडी पहाड़ी पर पहुंचने पर नवविवाहित मंजरी वीर लोरिक के अपार बल को एक बार और देखने के लिए चुनौती देती है और कहती है कि कुछ ऐसा करो जिससे यहाँ के लोग वीर लोरिक और मंजूरी की जोड़ी को याद रखें। जब वीर लोरिक ने कहा कि बताओ ऐसा क्या करूँ, तो मंजूरी उन्हें एक बड़ा सा चट्टान दिखाते हुए कहती है कि वे अपने प्रिय शमशीर से उसे एक ही वार में 2 टुकड़ों में काट दें। लोरिक ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपने बाहुबल और 85 मन तलवार से उस चट्टान को एक ही बार में काट दिया। वह खंडित शिला आज भी यहाँ मौजूद है, अखंड प्रेम की जीवंत कथा लिए। मंजूरी ने खंडित शिला को अपनी मांग का सिंदूर भी लगाया था। कहते हैं यहाँ प्रेमी जोड़ों की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। तो कैसी लगी आपको वीर लोरिक और मंजूरी की ये दास्तां, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीर लोरिक और मंजूरी की ये दास्तां लोगों को पता चल सके।
सो गाइस मिलते हैं नई जगह नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आपको लोगों को गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।